नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। हमारे समाज में लड़कियों को बेटियों को एक बोझ समझा जाता है, काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो बेटियों को एक लक्ष्मी का रूप मानते हैं और उसको लेकर जब वो उनका जन्म होता है तो एक उस जन्म को उस एक बड़ी यादगार बनाने के लिए हर कुछ प्रयास करते हैं। और एक अनोखा प्रयास किया गया है नागौर जिला के एक गरीब किसान की तरफ से। उसने अपनी पोती के जन्मदिन पर, जब उसका जन्म हुआ और उसके करीब 1.5 महीने बाद जब उस पोती को पहली बार अपने घर पर लेकर आए तो एक यादगार बनाने के लिए उसको हेलीकॉप्टर के अंदर लेके आए। दरअसल पूरे मामले के बारे में अगर हम बात करें तो बता दें कि नागौर जिला के नीमबड़ी चांदावता गांव के रहने वाले मदनलाल प्रजापत ने अपनी पोती को ननिहाल से जब वो लेकर आया तो हेलीकॉप्टर को किराए पे लिया और उसको गांव में उससे लेकर आया। दादा ने अपनी पोती को घर लाने के लिए करीब 5 लाख रुपए की फसल बेची और हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया। 35 साल बाद घर पर पैदा हुई पोती को हेलीकॉप्टर से घर लाने के लिए किसान ने हर तरह की उसके चर्चा पूरे समाज के अंदर, पूरे देश के अंदर हो रही है। मदनलाल प्रजापत ने बताया कि वो अपनी पोती का स्वागत ऐसा करना चाहते थे जिसे हमेशा याद रखा जाए और उसी तर्ज पर उसने ये काम किया है। बच्ची के पिता हनुमान ने बताया कि उनकी बच्ची का जन्म 3 मार्च को नागौर के नागरिक अस्पताल में हुआ था। पत्नी छोटी बच्ची को देखभाल के लिए पहले अपने मायके हरसोलाव गांव में चली गई थी और वहां से जो उसका ससुराल है उसकी जो दूरी है वो करीब 40 किलोमीटर की है। पोती को अपने ननिहाल से अपने गांव में लाने के लिए हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम किया गया था और 10 मिनट का सफ़र वो तय किया गया था। यही नहीं, उस पोती के घर पर पहुंचने पर जब गांव के अंदर ये पता लगा तो गांव वालों ने भी पूरा भव्य स्वागत किया और जहां पर हेलीपैड बनाया गया था वहां से उस बच्चे के घर तक पूरा फूल मालाओं से, बैंड बाजों से स्वागत किया गया। पूरे गांव के लोगों ने भी भव्य स्वागत किया। परिवार में बेटी के आने के जश्न का माहौल है और दूर दूर तक मदनलाल प्रजापत और उसके बेटे हनुमान प्रजापत को बधाई दी जा रही है। मैं मदनलाल बोलता हूँ। हमारे 35 साल बाद हमारी एक पोती हुई है। 35 साल पहले एक बच्ची थी, दूसरी बच्ची का इंतज़ार करते करते 20-25 साल निकल गया। अब हमारे 35 साल बाद में पोती हुई है। तो मैंने पहले सोचा था 20-25 साल बाद में पहले कि हमारे पोती हो जाए तो हम हेलीकॉप्टर से लाए और लाड प्यार करें और देश को भी मालूम पड़े कि बच्चों के साथ कैसी होना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका ये कार्यक्रम रखने के लिए मैंने ये घर रखा है। तो समाज के अंदर इस तरह के जो लोग भी रहते हैं जो बेटी के जन्म पर उसको एक बड़ी खुशी मनाते हैं। आपका क्या कुछ कहना है? मदनलाल प्रजापत ने जिस तरह से एक समाज के अंदर एक संदेश देने का काम किया है उससे क्या कुछ भविष्य के अंदर इस तरह का क्या मैसेज आएगा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो सरकार का नारा है वो कितना किस हद तक सार्थक होगा, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ हनुमान पूनिया।